बिहार में मॉनसून जा चुका है, लेकिन मॉनसून के जाने के बाद अब प्रदूषण का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। आज की बात करें तो दिल्ली NCR में औसत AQI 181 दर्ज की गई। वायु गुणवत्ता सूचकांक के मामले में ये नंबर मध्यम श्रेणी में आता है। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि आज से दो दशक पहले तक देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर क्या था। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि तब से लेकर अब तक इसमें कितनी बढ़ोतरी देखी गई है। देश की राजधानी दिल्ली में हमेशा से ही अपने ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जानी जाती रही है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में एक और पहलू ने शहर को चर्चा का विषय बना दिया है। हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण की। मॉनसून जाने के कुछ दिन बाद ही दिल्ली प्रदूषण की गिरफ्त में आ जाती है। अगर हम दो दशक पहले यानी 2001 की बात करें तो researchgate.net की रिपोर्ट के अनुसार 2001 में दिल्ली का प्रदूषण स्तर अलग अलग महीने में अलग अलग रहा है। जैसे कुछ महीनों में दो बार AQI 300 से 400 के बीच था, जबकि 68 बार 51 से 100 के बीच था। यहाँ बताए गए आंकड़े दिल्ली के प्रीतमपुरा इलाके के हैं। वहीं बात करें दिल्ली की आज में स्थिति क्या है, तो आज के समय में दिल्ली की स्थिति बेहद खराब है। दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में है। ठंड के मौसम में यहाँ की स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि आप बिना मास्क के बाहर नहीं निकल सकते। आंखों में जलन, सांस लेने में समस्या, ये आम बात है। साल 2024 की बात करें तो जनवरी 2024 में दिल्ली की औसत AQI 354 थी, वहीं कुछ इलाकों में ये 400 के पार भी थी। चलिए अब समझते हैं कि दिल्ली में इतने खतरनाक प्रदूषण के कारण क्या है। इसमें पहले नंबर पर है वाहनों की संख्या। बीते कुछ वर्षों में दिल्ली में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इस वक्त राजधानी में लगभग 1.5 करोड़ वाहन हैं। इसके अलावा छोटे और बड़े उद्योगों की संख्या में वृद्धि भी वायु प्रदूषण का एक कारण है। पराली जलाना भी दिल्ली के प्रदूषण को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। दरअसल सर्दी के मौसम में दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में फसल के बाद पराली जलाने से वायु गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। आज के समय में दिल्ली की स्थिति बेहद खराब है। दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों के लिस्ट में है। ठंड के मौसम में यहाँ की स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि आप बिना मास्क लगाए बाहर नहीं निकल सकते। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।